जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल यूजीसी नेट की प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने आंसर की मैच कर लिया होगा, आपको पता चल चुका होगा कि आपका कितना क्या स्कोर हो रहा है। और अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, और यहाँ पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, कि ज्योग्राफी की नेट के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, जेरफ के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम पुराने रिकॉर्ड के ऊपर भी बात करेंगे और न्यू रिकॉर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बहुत ही शानदार तरीके से ज्योग्राफी पढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और ये है हमारा पिछला वाला रिजल्ट, मतलब दिसंबर 2021 और जून 2022 वाले बैच का रिजल्ट है ये, जिसमें टोटल 371 कैंडिडेट थे बैच में, जिसमें 21 कैंडिडेटों का जेरफ हुआ है, ठीक है। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब तक मेरे को पता चल चुका है कि हमारे बैच से कम 25 कैंडिडेटों का जेरफ होने वाला है। अभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को अपने डाटा नहीं दिए, तो जहाँ तक अनुमान है ओवरऑल अब की बार इस बैच से जेरफ पास करने वाले लोगों की संख्या लगभग 30 के आसपास होगी, या तो 30 से एक दो कम रहेंगे या 30 से एक दो ज़्यादा जाने वाले हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि हमारा जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। पिछले बैच में 17 कैंडिडेटों का जेरफ हुआ, फिर उसके बाद में इस वाले बैच में 21 कैंडिडेटों का जेरफ हुआ था, और अब की बार संख्या 30 के आसपास पहुंचने वाली है। तो ये एक बहुत ही शानदार वाली और बहुत ही गजब की खुशी वाली बात है। और अब की बार ये जो जून 2023 में एग्जाम होने वाला है, तो इसमें तो भाई रिकॉर्ड टूटेगा। और उसका रिकॉर्ड क्यों टूटेगा, हमारे बैच से बहुत सारे कैंडिडेट का जेरफ क्यों होगा, उसका रीजन आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यह है दिसंबर 2021 और जून 2022 की कट ऑफ, एक बार इसको चेक करें। देखो, जनरल के नेट के लिए 182 गई थी, ओबीसी के नेट के लिए 164 गई थी, ईडब्ल्यूएस के नेट के लिए 164 गई थी, एससी के नेट के लिए 152 थी और एसटी के नेट के लिए 150 थी। यदि मैं जेरफ के लिए बात करूँ तो जनरल की जेरफ के लिए 202 थी, ओबीसी की 186 थी, ईडब्ल्यूएस की जेरफ के लिए 192 थी, एससी की जेरफ के लिए 176 थी और एसटी की जेरफ के लिए 168 थी। ये कट ऑफ थी दिसंबर 2021 और जून 2022 की। अब प्यारे साथियों, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे देता हूं कि जून 2023 में जो नेट जेरफ का पेपर होने वाला है, उसके लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है। यदि आप हमारा बैच लेना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली बैच परचेज कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट वे में बता देता हूं कि इस वाले बैच के लिए हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, हम क्या क्या कॉन्टेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। देखो प्यारे साथियों, सबसे मेन हमारा टारगेट है जेरफ क्वालिफाई करना, वो भी एक बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, ठीक है, मतलब एक बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ। जो आप कभी डिमोटिवेट भी हो ना, तो आप अपना जब स्कोर चेक करें, याद आए आपको कि यार मेरा जेरफ में फर्स्ट रैंक थी, सेकंड रैंक थी, थर्ड रैंक थी, मेरी 80% प्लस मार्क्स थे मेरे ज्योग्राफी में, तो एक अलग से प्राउड फील हो। तो मेरा सबसे मेन टारगेट है जेरफ क्वालिफाई करना, वो भी एक बहुत ही गजब के स्कोर के साथ, ठीक है। अब हमारे पास लगभग 90 डेज का एक टाइम बचा हुआ है, तो इसमें हमें सब कुछ कंप्लीटली कवर करना है। और प्यारे साथियों, 90 डेज 100% सफिशियंट है जेरफ क्वालिफाई करने के लिए, यदि आप स्मार्ट स्टडी को फॉलो करते हो तो, ठीक है। अब देखो, अब की बार जून 2023 में हमारे यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेटों का जेरफ होने वाला है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ प्यारे साथियों। इसके अलावा मैं उसके बारे में एक बिल्कुल फुल डिटेल का वीडियो भी बना रखा है, उसको भी आप जरूर देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्यारे साथियों, मैंने अभी थोड़े दिन पहले, मतलब पिछले 2 महीने में मैंने टोटल 13 टीचरों के नोट्स कलेक्ट किए जो यूजीसी नेट के लिए पढ़ाते हैं, और ये 13 ऐसे टीचर हैं जिनको शायद आप भी जानते होंगे, बहुत फेमस टीचर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं यूजीसी नेट के लिए, जैसे अजिमुत, श्रीराम खांगस सर हैं, सितांशु सर हैं, अभिषेक सर हैं, अंकित सर हैं, ये दोनों अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं, ये दो जयपुर की फैकल्टी हैं, बीबी सर हैं, बच्चन सर हैं, ये भी जयपुर से हैं, ऑनलाइन दिवाकर सर हैं, ठीक है, जितेंद्र सर हैं, टॉपर्स नोट्स हैं, नोट्स हब हैं, अब ऑथेंटिक बुक है जिनसे मैं अपने नोट्स बना रखा था, एनसीईआरटी के कॉन्टेंट है, और कुलदीप सर हैं, ठीक है। तो ये 13 ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये 13 ऐसे टीचर्स हैं जो
बहुत लंबे समय से ज्योग्राफी पढ़ाते हैं नेट जेरफ के लिए, तो मैंने इन सभी के नोट्स इकट्ठे किए हैं, इन सभी के नोट्स मैंने परचेज कर लिए, उसका मैंने एक वीडियो बना दिया स्पेशली, आप उसको जरूर देखना, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब की बार मैं क्या करूँगा, इन सभी के सभी टीचरों के नोट्स को आपस में मिलाकर और एक बेस्ट नोट्स तैयार करूँगा। ध्यान रखना, हम बहुत लेंथी नोट्स तैयार नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कि चलो सेटलमेंट ज्योग्राफी की 20 क्लास 30 क्लास हो रही है, ऐसे नहीं, हम स्मार्ट स्टडी को फॉलो करेंगे और इन टीचरों के नोट्स में जो बेस्ट कंटेंट होगा उसको हम अपने नोट्सों में शामिल करेंगे। तो जब अब ये जो मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ जून 2023 के लिए, आप ओवरऑल फाइनली कह सकते हैं कि ये जो नोट्स होने वाले हैं वो इंडिया की यूजीसी नेट के लिए ज्योग्राफी के सबसे बेस्ट नोट्स होने वाले हैं। आप डायरेक्टली समझ सकते हो भाई, एक ऐसे नोट्स जिसमें टोटल 13 बेस्ट टीचरों के नोट्स शामिल हो, तो वो ओवरऑल सबसे बेस्ट नोट्स होने वाले हैं। और इन नोट्सों से मैं आपको अब जून 2023 के लिए पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है प्यारे साथियों। अब देखो हमारा सबसे मेन सिनेरियो क्या होता है, ये होता है कि हम पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पिछले वाली क्लासों को हम दोबारा प्रोवाइड करवा देंगे, बिल्कुल सारा सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेगा भाई। पेपर लेवल पेपर पैटर्न हर बार बदलता जा रहा है, पेपर पैटर्न के ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा कि अब पेपर पैटर्न क्या था, ठीक है। पेपर लेवल आप खुद देख सकते हैं, पहले पेपर कॉन्सेप्ट बेस पर आता था, फिर फैक्ट बेस पर आया, अब की बार पेपर कॉन्सेप्ट भी था, फैक्ट भी था और करंट डाटा भी थे, ठीक है। तो अब की बार हमें जो करंट वाला पोर्शन वो अलग से स्पेशली पढ़ना होगा। तो अब की बार का जो पेपर था उसमें फैक्ट भी था, उसमें कॉन्सेप्ट भी था, उसमें करंट के डाटा भी थे। तो अब जो जून 2023 के लिए तैयारी करेंगे उसमें हम टोटल चार चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, दूसरा हम फैक्ट को फॉलो करेंगे, तीसरा हम करंट को फॉलो करेंगे और चौथा हम बहुत डीपली से पढ़ेंगे। और जब आप इन चारों को फॉलो करेंगे तो पांचवा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि पेपर कोई नई जगह से बन जाए और बेस्ट कंटेंट होने वाला है। और फिर ऑटोमेटिकली जायज सी बात है कि हम सभी चीजों को कवर कर लेंगे तो पेपर बाहर से थोड़ी ना जाएगा, यहीं से बनने वाला है। अब यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है ये देखो प्यारे साथियों, लाइव क्लास मिलेगी रेगुलर, डिकोडेड क्लास मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज तरीके से, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पेपर पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, पेपर लेवल के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं अपने चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या है बैच का। देखो यदि आप ओनली ज्योग्राफी का बैच लेते हो जून तक के लिए लेते हो तो चार्ज है 2700 रुपये, लेकिन फिलहाल में केवल 1800 रुपये। यदि आप केवल ज्योग्राफी का एक साल के लिए बैच लेते हो तो चार्ज 3500 रुपये, लेकिन अगले दो दिन के लिए केवल 2200 रुपये। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर फर्स्ट पेपर भी पढ़ाता हूँ, मेरा खुद का ज्योग्राफी से 3 बार यार क्वालिफाई है प्यारे साथियों, तो दोनों पेपर का यदि आप जून तक के लिए लेते हो तो चार्ज 4100 रुपये, जो फिलहाल में केवल 2800 रुपये। और यदि आप दोनों पेपर का पूरी साल के लिए लेते हो तो चार्ज 5100 रुपये, जो फिलहाल में केवल 3600 रुपये प्यारे साथियों। और यदि आप फिलहाल में बैच लेते हो, आज या कल में बैच लेते हो, तो इस डिस्काउंट के साथ मैं आपको 100 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और दे दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो बैच परचेज कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन का लिंक है, एक वीडियो का लिंक है, उन दोनों को आप फॉलो करें, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिनसे मैं आपको ऑलवेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से गाइड करता रहूंगा। अब हम सबसे मेन बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो प्यारे साथियों, कट ऑफ का सीन ये रहने वाला है कुछ इस तरीके से, देखो ये मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, ठीक है। लगभग कट ऑफ इसी रेंज में रहने वाला है, नेट का जनरल के लिए 182, ओबीसी का नेट के लिए 164, ईडब्ल्यूएस का नेट के लिए 164 प्लस, एससी का नेट के लिए 152 प्लस, एससी का नेट के लिए 150 प्लस, जनरल का जेरफ के लिए 202 प्लस, ओबीसी का जेरफ के लिए 186 प्लस, ईडब्ल्यूएस का जेरफ के लिए 192 प्लस, एससी का जेरफ के लिए 176 प्लस और एसटी का जेरफ के लिए 168 प्लस। यदि आपका स्कोर इससे प्लस में हो रहा है तो आपका 100% नेट या जेरफ क्वालिफाई हो जाएगा। तो जिन कैंडिडेटों का नेट जेरफ होने वाला है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, और जिनका नहीं हो रहा है उनको बिल्कुल हताश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और जून 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाना है, एक रिकॉर्ड तोड़ना है, इतने गजब के मार्क्स लेके आने कि एक बार तो देखने वाला भी हिल जाए कि भाई क्या किया है तुम लोगों ने, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ।